हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ और इस रीडिंग का थीम है शिव शक्ति का बहुत बहुत ज़रूरी संदेश। ओके, संदेश यहाँ पर ये है, वो आपको ये बताना चाहते हैं कि आप कौन हो। ठीक है, मतलब यहाँ पर चीज़ें शायद आपके दिमाग में कुछ ऐसी घूम रही हैं जिसे कुछ डाउट, मतलब शिव शक्ति आपको किसी ऐसी, मतलब एक शिफ्टिंग की तरफ वो आपको ले जाना चाहते हैं, एक बहुत मेजर जैसे चेंज या शिफ्टिंग आपकी लाइफ में वो करना चाहते हैं। उसके लिए जैसे पहले आपको अपने आप से कनेक्ट होना, अपने आप से जुड़ना, ताकि आप अपने आप को भली भांति समझ जाओ, वो आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं। ओके, और ये टाइमलेस रीडिंग है, पीके कार्ड रीडिंग है। ठीक है, और इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देती हूँ, वो तो वहाँ से आप देख सकते हो उस फाइल को क्लिक करके। ठीक है, और ये टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे कभी भी देख सकते हो। ओके, ये है पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। ओके, और थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। मैं बहुत बहुत, मतलब दिल की गहराइयों से आप सभी का मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बहुत मुझे प्यार मिला है आपसे, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मैं, अगर आप साथ नहीं होते मेरे, तो मैं सच बताऊँ ना, मैं अपने आप को नहीं जानती, मैं खुद अपने आप को नहीं पहचानती। शिव शक्ति आपको भी यही बताना चाहती है कि आप कौन हो। ओके, और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहां से आप देख सकते हो। ओके, तो मैं यहां पर आपको पाइल बताना चाहती हूँ। ये है पाइल नंबर 1, द डिवाइन डायरेक्टर, पाइल नंबर 1। इसके कलर से भी आप जा सकते हो, इसका कलर बहुत ही सोना है, बहुत ही अट्रैक्टिव है, मेरा फेवरेट कलर है ये ब्लू। ओके, पाइल नंबर 1 द डिवाइन डायरेक्टर, एंड पाइल नंबर, सॉरी, ये पाइल नंबर 1 था, ये पाइल नंबर 2। ठीक है, पाइल नंबर 2, स्क्रैच सेल्फ, पाइल नंबर 2। ये कार्ड अपने आप में ही जैसे आपको खोलता है, एक आजादी, एक स्वतंत्रता को बताता है। ओके, आई होप आपने इसमें से कार्ड को चूज कर लिया होगा। और एक कार्ड पर आप जाना नहीं चाहते हो तो पूरी रीडिंग देखो, जो मैसेज आपसे रेजोनेट हो जाते हैं उसे रख लो, जो नहीं होते हैं ठीक है उसे जाने देना है। ओके, तो मैं यहां पर रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 से। हाय पाइल नंबर 1, तो जिसने भी ये डिवाइन डायरेक्टर का कार्ड चूज किया है उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 1, मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर यही मैसेज देना चाहती हूँ कि पास्ट में अभी तक, मतलब जो कुछ भी हुआ आपके साथ, वो एक ऐसी ऐसी प्लानिंग के तहत हुआ, जो डिवाइन, एक डिवाइन, मतलब एक डिवाइन की एक प्लानिंग थी आपके लिए। आपके लिए जैसे कुछ पास्ट से ही कुछ ऐसी योजनाओं के तहत आपके साथ यहाँ पर काम किया गया, ठीक है, जिसमें डेफिनेटली आपकी खुशियाँ छुपी हुई हैं, आपका लाइफ पर्पस यहाँ पर छुपा हुआ है। क्योंकि पास्ट में अगर डिवाइन हस्तक्षेप नहीं करता आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ को जैसे छूता नहीं, तो आप शायद इस जन्म का महत्व क्या है, ठीक है, ये जन्म आपका बेकार हो जाता। इस जन्म से आप अपने कुछ भी लेकर नहीं जाते, अगर डिवाइन आपके इस जिंदगी में हस्तक्षेप नहीं करता, तो एक बहुत बड़ा रोल डिवाइन ने अदा किया है। ये शिव शक्ति का अर्जेंट मैसेज है आपके लिए, क्योंकि आप कौन हो यहां पर, ठीक है, जैसे वो आपको, आपके अंदर की कुछ ऐसी छवि हैं, ठीक है, कुछ ऐसे तत्व हैं जिसे आप शायद, मतलब अनजान हो, जिसे सिर्फ डिवाइन को पता है, शिव शक्ति को पता है,
ठीक है, आप कौन हो शायद आप अपने आप को ही नहीं जानते हो, अपने आप को ही नहीं पहचानते हो। आप किसी, आप खुद डिवाइन आपको डायरेक्टर कर रहा है, मतलब डिवाइन खुद यहां पर आपकी लाइफ में हस्तक्षेप कर रहा है। और आप फ्यूचर में आप कौन हो, आप कौन हो शायद इस चीज को भूल रहे हो, लेकिन डिवाइन यहां पर, जैसे डिवाइन ने आपको हस्तक्षेप करा है आपकी लाइफ में, ऐसे ही आप फ्यूचर में अपना खुद का, ठीक है, अपने खुद के जैसे एक किसी चीज को डायरेक्ट करना, खुद से किसी चीज का मतलब यहां पर खोज करके उसको एक नया रूप देना। जैसे आप है ना, यहां पर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, लेकिन आपको डिवाइन ने इसलिए छुआ है क्योंकि आप कौन हो उस चीज को भूल चुके हो, लेकिन आप अपनी जैसे कहते हैं ना कि एक ऐसे चेंज, ऐसे परिवर्तन आपके अंदर यहां पर होंगे, जिसकी वजह से आप नई नई इन्वेंशन, नई नई खोज, ठीक है, नए नए काम आप यहां पर करोगे अर्थ पर आकर। ये किसी किसी का लाइफ पर्पस भी हो सकता है, जो यहां पर यूनिक है, जो सब कर रहे हैं आप वो नहीं करोगे, कुछ अलग हट कर कुछ स्पेशल आप करोगे। आप डायरेक्टर भी हो सकते हो, जैसे पिक्चर बनाते हैं, पिक्चर कैसे लिखी जाती है, क्या करते हैं, जैसे उसमें आपके खुद के विचार होंगे, ठीक है, खुद के रोल होंगे, खुद की थिंकिंग होगी, उसमें सब कुछ आप अपना अपना निचोड़ कर डालोगे। आप एक डायरेक्टर हो, ठीक है, किसी चीज को एक शेप देना, बनाना, ये शिव शक्ति आपको बताना चाहती है। जो कहीं ना कहीं ये आपकी खुशी है, यही आपका लाइफ पर्पस है, ठीक है। यहां पर आपको मतलब डिवाइन यहां पर आपको सब कुछ पता है, ये बताना चाहती है शिव शक्ति आपको बताना चाहिए। आपको सब कुछ पता है, आप गाइडेड पर्सन हो, आपके अंदर एक ऐसी जबरदस्त गाइडलाइंस छुपी हुई है, ठीक है, जिसकी वजह से आप दूसरों को भी गाइड करोगे, क्योंकि आपको सब पता है, ठीक है। और ये चीज आपको बहुत अंदर से खुश करती है, बहुत आपको अंदर से हील करती है। आप पाइल नंबर वन, जो ये कलर है ना, ये पर्पल कलर, ठीक है, ब्लू कलर, ये हमारी जैसे आत्मिक चीजों को बताता है, एक स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को बताता है। आप पैदाइशी बहुत गिफ्टेड हो, आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई रहती है, या हाई नहीं रहती होगी तो बीच में ज़रूर रहती होगी, क्योंकि हमेशा आपको डिवाइन की तरफ से, शिव शक्ति की तरफ से आपको गाइडलाइंस जरूर मिलती रहती है, वो इंट्यूशन के थ्रू आपको मिलती रहती है। ओके, शिव शक्ति का क्या संदेश है आपके लिए, आप कौन हो, और इसकी वजह से जैसे डिवाइन ने खुद, शिव शक्ति ने खुद आपकी लाइफ में हस्तक्षेप करा है, ताकि आप अपना कुछ यहाँ पर क्रिएट करो, ठीक है, और जिससे आपको खुद के ऊपर यहाँ पर विश्वास हो। बहुत फोर कार्ड्स, यस, ओह गॉड, माय गॉड, फोर कार्ड्स एक साथ यहां पर आए हैं, एट ऑफ वैंड्स। पाइल नंबर वन, आप कौन हो, मैं सच बताऊं ना, पाइल नंबर वन आपके अंदर है ना, एक ऐसी पावर है, एक ऐसी शक्ति है जिससे आपसे कोई नहीं बच सकता, ठीक है। आपके अंदर एक जबरदस्त जो क्रिएटिविटी, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया, आप एक डायरेक्टर, ठीक है, किसी भी चीज को जैसे कैसे डायरेक्ट करते हैं, मतलब यहां पर
वहाँ पर सब कुछ आप ही का दिया होता है, आपके अंदर वो क्रिएटिविटी है, ठीक है, आप अपनी तरफ यहाँ पर पॉजिटिविटी को खींचते हो, एक गुरुत्वाकर्षण का एक बल है आपके अंदर, एक चुंबकीय ऊर्जा है आपके अंदर यहाँ पर। मैं सच जो क्यों, क्योंकि आप बहुत इंटुइटिव पर्सन हो, डिवाइन से आप कनेक्ट हो, यूनिवर्स से आप कनेक्ट हो, जो भी आप आपको कभी ज़रूरत भी पड़ती हो कि गाइडलाइंस की किसी भी चीज़ की, तो यूनिवर्स वो गाइडलाइंस आपको देते हैं, वो आपसे कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। आप कौन हो, आपको पता है कि आप कितने गाइडेड पर्सन हो, कितनी यूनिवर्स की तरफ से कितनी गाइडलाइंस आपको मिलती है, आपकी थर्ड आई बहुत ओपन रहती है पाइल नंबर वन, जिसकी वजह से आप मतलब आपके अंदर आपकी, मैं सच बताऊं ना, आप किसी भी चीज को बहुत इजीली आप अपने अंदर मिक्स कर सकते हो, ये शिव शक्ति आपको बताना चाहती है। सेकेंडली यहां पर आपको शिव शक्ति ये भी बताना चाहती है, आप एक काम नहीं, आप एक काम को करते हुए मतलब यहां पर एक साथ आप बहुत सारे काम भी आप कर सकते हो, आपके अंदर वो पावर है, वो शक्ति है, वो जुनून है, वो जोश है, ठीक है, और यूनिवर्स बराबर उसमें आपकी हेल्प करते हैं। काफी आपके अंदर एक ऐसी नई नई चीजों की खोज करना, नई नई चीजों से जुड़ना, नई नई नॉलेज लेना, नए नए काम करना, ठीक है, आपके अंदर एक उत्सुकता है, एक जिज्ञासा है कि किस काम को कैसे किया जाता है, उसमें कैसे हासिल की जा सकती है, उसमें कैसे चेंजेस किए जा सकते हैं। आप ऐसे व्यक्ति हो, आप ऐसे व्यक्ति हो कि मैं सच बताऊं ना, आप पानी में भी आग लगा सकते हो, एक ऐसी ऊर्जा है आपके अंदर, और शिव शक्ति यह आपको बताना चाहती है, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ को इतना चेंज कर सकते हो, इतना परिवर्तन आपके अंदर यहां पर आ सकता है, क्योंकि आपके अंदर एक आप बहुत प्रभावशाली हो, आपके अंदर वो एक, सच बताओ ना, एक जोश है, वो जुनून है, आपका जो सोलर पेसेज चक्र है, आपकी क्रिएटिविटी, आपका हुनर, ठीक है, वो बहुत प्रभावशाली है, जैसे वो बहुत आपकी ये गिफ्ट है आपके अंदर, ठीक है, ये स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं आपके अंदर, और कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको अब ये बताना चाहते हैं कि आप कौन हो, आपकी सच्चाई यहां पर सामने निकलकर बाहर आए, कि जो चीजें अभी तक छुपी हुई थी, जिसे आप बता नहीं पा रहे थे या देख नहीं पा रहे थे, अब वो यूनिवर्स आपकी बाहर निकालना चाहते हैं, ताकि आप खुलकर यहां पर बाहर आओ, और आपके सामने एक साथ एक ऑप्शन नहीं आ रहे, यूनिवर्स बहुत सारे ऑप्शन, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ यहां पर भेज रहे हैं, बहुत मतलब यहां पर जिसकी वजह से आपके अंदर बहुत स्पीड से चेंज आ रहा है। आप कौन हो ये प्रूफ आप करोगे यहां पर। एस ऑफ पेंटिकल्स, पाइल नंबर वन, मैंने बोला ना आपका कि आप अपनी लाइफ को जैसा जिस तरीके से ढालना चाहते हो, जिस तरीके से आप मोड़ना चाहते हो, क्या अपनी लाइफ में हासिल करना चाहते हो, ठीक है, वो सब कुछ आपको डिवाइन से मिलेगा, शिव शक्ति से आपको मिलेगा यहां पर शिव शक्ति आपको ये बताना चाहती है कि आप अपने आप को पहचानो कि आप कौन हो। शिव शक्ति आपको वो हर चीज देने के लिए तैयार है, हर चीज वो देने के लिए तैयार है, क्योंकि आप बहुत ब्लेस्ड हो, उनकी ब्लेसिंग्स, डिवाइन की, शिव शक्ति की ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ में यहां पर रहती हैं, हमेशा वो आपकी आपको देने के लिए तत्पर रहते हैं,
पाइल नंबर वन, आप कौन हो? मैं सच बताओ ना, आप अगर कुछ अभी अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो मैनिफेस्टेशन बहुत स्पीड से बहुत जल्दी आपका पूरा होने वाला है। आप कुछ ऐसी चीजों को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो जिससे आपकी जिंदगी की नई शुरुआत यहां पर हो रही है। बहुत कुछ आप अपने हाथों में आता हुआ देख रहे हो। जो भी अभी तक आपकी लाइफ, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि एक शिव शक्ति ने जैसे आपको हर सिचुएशन में आपको चेंज करने की, जैसे कहते हैं ना कि उनकी एक योजना है कि हर सिचुएशन में आपको चेंज किया जाए, आपको बदला जाए। पाइल नंबर टू, आप कौन हो? आप डिजर्व करते हो, आप डिजर्व करते हो कि जो आपके सपने हैं, जो आप चाह रहे हो, वो सब आपको यहां पर मिले और डिवाइन वो बहुत स्पीड से आपको देने वाला है। ठीक है, शिव शक्ति आपको यहां पर ये बताना चाहती है कि आपके जितने भी सपने हैं, करियर से रिलेटेड या फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहते हो आप या कोई भी किसी भी तरीके की, तो वो बहुत स्पीड से वो आपका मैनिफेस्टेशन यहाँ पर पूरा कर रहे हैं। आपको बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज, मौके, अवसर यहाँ पर मिल रहे हैं जिससे आप अपनी जिंदगी की नई शुरुआत आप करोगे। आप बहुत, मैं सच बताओ ना, आप एक ऐसी सोल हो जो बहुत ज्यादा ग्राउंडेड हो। ठीक है, आप अपनी अपनी समस्याओं के समाधान आपके खुद के पास हैं। टेन ऑफ वैंड्स एंड टेन ऑफ कप्स, यस, टेन टेन की ऊर्जा पाइल नंबर वन यहां पर टू टाइम आ चुकी है। टेन मतलब कंप्लीट हुए। जितना भी शिव शक्ति को, डिवाइन को, पास्ट में आपने जितना भी, जैसे कहते हैं ना कि एक बहुत बहुत जिम्मेदारियों के साथ आपने कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया है। आप कौन हो? आप बहुत जिम्मेदार पर्सन हो, बहुत होनहार हो। आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी को निभाया है पाइल नंबर वन कि मैं सच बताऊं, मैं खुद इमोशनल यहां पर हो रही हूं। आप एक ऐसे पर्सन हो जो अपनी जिम्मेदारियों से आप भागते नहीं हो। आपने चाहे घर की हो, चाहे बाहर की हो, चाहे कैसी भी प्रॉब्लम हो, कैसी भी जिम्मेदारियों, जैसे सब आपने अपने ऊपर ले ली थी सबको, जैसे हर चीज से, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने फ्री रखा है, सबको फ्री रखा है और जिम्मेदारियां, बर्डन, स्ट्रेस आपने अपने ऊपर लिया है। और जिसके नीचे आप, मैं सच बताऊं ना, आप दब चुके थे। कहीं ना कहीं मैं एक बात बताऊं आपको कि ये डिवाइन का ही मतलब एक योजना थी आपके लिए। ठीक है, ताकि आप के जितना ज्यादा, मतलब यहां पर आपके ऊपर जितना ज्यादा एक ऐसे समय से आपको गुजारा जाएगा, एक ऐसे समय से आप गुजरोगे जहां पर, मुझे ऐसा लग रहा है ना, पास्ट में, बहुत पास्ट की मैं बात कर रही हूं कि पास्ट में शायद आप जिम्मेदारियों से डरते थे। ठीक है, या जिम्मेदारी को आप उठाना नहीं चाहते थे या आगे बढ़ना नहीं चाहते थे। ठीक है, बहुत पास्ट की बात है कि जब आपके ऊपर कोई जिम्मेदारियां नहीं आई होंगी, लेकिन डिवाइन ये चाहता था कि जब तक आप किसी भी जिम्मेदारी को नहीं उठाओगे, ठीक है, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर नहीं लोगे, जब तक आपके रास्ते में बाधाएं नहीं आएंगी, तो वहां पर आपकी ना क्रिएटिविटी निखर कर बाहर आएगी, ना ही आपकी स्ट्रेंथ, ना ही आपकी पावर, ना ही आपका ज्ञान, ना ही आपने जो एक्सपीरियंस करा, वो चीजें बाहर निकल कर नहीं आएंगी। इसी वजह से
ये जो कुछ भी आपकी लाइफ में हुआ ये डिवाइन की, जैसे शिव शक्ति की मर्जी से हुआ, उनकी प्लानिंग के तहत आपके साथ यहाँ पर हुआ, ताकि आप जिम्मेदारी उठाओ, आपकी आपको आपकी स्ट्रेंथ का पता चले कि आप कैसे पर्सन हो। आप इतनी सी चीज से आप भागने की कोशिश करते हो, नहीं मुझे नहीं करना, लेकिन आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, वो ताकत है, ठीक है, वो शक्ति है आपके अंदर कि आप एक जिम्मेदारी नहीं पूरे घर की जिम्मेदारी को आप उठा सकते हो, और उसको भी उसको आपने कंप्लीट किया है, ये शिव शक्ति आपको बताना चाहती है। इतना आसान नहीं होता है। शिव शक्ति ने जैसे आपको है ना, आपकी अंदर की, जैसे आप कितने बलशाली हो, कितने प्रभावशाली हो, कितना आपके अंदर एक ऐसा, सच बताओ ना, एक ऐसा इंसान छुपा हुआ है जिसे आप नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन शिव शक्ति ने उसे बाहर निकाला है, ठीक है। जैसे जैसे आप परेशानियों से जूझते चले गए, जैसे जैसे आपने परेशानी फेस करी, वैसे वैसे आपको पता चलता गया कि हाँ, ये काम आप भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहां पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आप कौन हो, ठीक है, आप एक ऐसे पर्सन हो जो सबका ख्याल रखने वाले। 10 of Cups यहां पर, पाइल नंबर 1, आप कौन हो, आप अपनी एक, जैसे कहते हैं ना कि फैमिली को संभालने वाले एक ऐसे पर्सन हो, जहां पर आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी फैमिली में अभी तक बहुत चीजें बिखरी हुई थी, ठीक है, बहुत चीजें बिखरी हुई थी, रिश्ते बिखरे हुए थे, या आपके रिश्तों में जैसे वो मिठास और मधुरता नहीं थी, फाइनेंशियली बहुत कुछ ब्लॉकेज थे, या आप किसी से दूर हुए थे, या आपकी फैमिली में वो जो आप ब्लेसिंग्स चाहते थे वो नहीं थी, ठीक है, वो प्यार नहीं था, वो कमिटमेंट नहीं था, वो खुशी नहीं थी, ठीक है। जो भी आप अपने परिवार को, फैमिली को आप देना चाहते थे, फाइनली आपको यहाँ पर पता चला कि आप कौन हो। आप पहले ये सोचते थे कि आप अपने लिए भी नहीं कर सकते हो, खुद के लिए भी नहीं कर सकते हो, आप अपनी फैमिली के लिए भी नहीं कर सकते हो, लेकिन यही शिव शक्ति आपको बताना, आप कौन हो। अब आपको पता चलेगा कि आप कौन हो, ठीक है। आपने जैसे आपने अपनी अपनी पावर से, अपनी स्ट्रेंथ से, अपने हौसले से, आपके अंदर वो हौसला है कि कोई भी दिक्कत आए, कोई भी परेशानी आए, तो कैसे सबको इकट्ठा करके रखा जाता है, ठीक है, कैसे सबको एक साथ लेकर चला जाता है, चाहे कितनी भी स्ट्रेस बर्डन क्यों ना हो। आपने वो काम करके दिखाया है जो आपके लिए मुश्किल लगता था, ठीक है, आपने अपना 100% यहां पर दिया है, चाहे वो आपके फाइनेंशियली हो, चाहे आपके फैमिली से रिलेटेड ही क्यों ना हो, आपने फैमिली को वो चीज दी है जो वो, ये एक मैसेज बताओ ना, आपने अपनी फैमिली के प्रति वो वफादारी निभाई है, वो फर्ज अदा किया है, जिससे डिवाइन शिव शक्ति बहुत खुश है, और वो आपको ऐसा प्रेम, ऐसा अनकंडीशनल प्रेम, ऐसी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ भेज रहा है, जहां पर आपके सारे दुख दर्द यहां पर दूर हो चुके हैं। आपको शायद ऐसा लगता था कि आप किसी सिचुएशन को आप संभाल नहीं सकते, लेकिन अब आपको यहां पर वो दिखाना चाहते हैं कि अब आप अपने आप को देखो, आप कौन हो। आप जिस चीज को भी आप ऐसा सोचते थे आप ये नहीं कर सकते, वही काम आप कर रहे हो, आप डिजर्व करते हो, आपके अंदर वो क्रिएटिविटी है, वो हौसला है, वो हिम्मत है, वो ताकत है, क्यों, क्योंकि आप बहुत प्रभावशाली हो। पाइल नंबर 1, सॉरी,
थैंक यू यूनियस, थैंक यू सो मच. द लवर्स पाइल नंबर वन. पहले आप अकेले ही थे, अकेले ही आप सब कुछ हैंडल कर रहे थे, संभाल रहे थे हर चीज को, जिसे अकेले ही कर रहे थे. लेकिन अब यहां पर अब आप अकेले नहीं हो, ठीक है, आप अकेले नहीं हो. यहां पर डिवाइन आपको जिसे एक से दो कर रहा है, ठीक है. आप कौन हो, आप ये मत समझो कि आप डिवाइन आपको, मतलब यहां पर डिवाइन ने आपके लिए कोई ऐसा पर्सन नहीं बनाया जिसे आप हो, जिसे आप डिजर्व करते हो, जो आप ही की तरह जिम्मेदार हो, जो आप ही की तरह चीज़ों को संभालना जानता हो, सिचुएशन को संभालना जानता हो, जो आप ही की तरह प्योर हो. डिवाइन शिव शक्ति जैसे आप हो वैसा ही पर्सन आपकी लाइफ में यहाँ पर भेज रहे हैं. मतलब आपको आपकी लाइफ में से जितनी भी बर्डन स्ट्रेस था आपकी लाइफ में, जैसे वो सब खत्म हो रही हैं और अब आप जैसे एक पूर्णता की स्टेज पर आ रहे हो, है ना. कुछ चीजें आपकी लाइफ में अधूरी थी, कुछ अधूरापन था, आपको ऐसा फील होता था, लेकिन उस अधूरेपन को, ठीक है, डिवाइन जैसे आप ही के थ्रू यहां पर उसे कंप्लीट करना चाहता था. डिवाइन ये बताना चाहता था कि आप कौन हो, जिस प्रकार का भी आपकी लाइफ में अंधेरा है, अंधकार है, ठीक है, या आप जो भी पाना चाहते हो वो सब कुछ आपके थ्रू ही आपको यहां पर मिलेगा. द लवर्स एक जबरदस्त एक शेयरिंग की ऊर्जा आपकी तरफ यहां पर आ रही है. सिक्स नंबर वीनस, ठीक है. यहां पर वीनस में यहां पर शुक्र ग्रह, शुक्र यानी कि बहुत अबंडेंस, ग्रोथ को बताता है, ठीक है. यहां पर आपकी तरफ मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अभी तक आपकी आप दो कोई ऐसा पर्सन आपकी फैमिली में जो दूर हुआ था, या हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं यहाँ पर, वो दूर थे, तो जिसे आप दोनों एक हो रहे हो. डिवाइन आपको ये बताना चाहता है कि आप कौन हो, आप एक ऐसी प्योर सोल हो. मुझे ऐसा लग रहा है ना आपने अपने सोलमेट को या ट्विन फ्लेम को या एक ऐसा लाइफ पार्टनर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आप ही की तरह है, तो वो आपको यहाँ पर ब्लेसिंग्स के रूप में आपको दिया जा रहा है. द सोर्स, यस, जो मैंने बोला ना, आपकी तरफ बहुत सारे संसाधन, बहुत सारा चेंज, परिवर्तन आपकी तरफ यहां पर आ रहा है. आप कौन हो ये डिवाइन आपको बताना चाहता है कि पहले हर चीज जैसे आपके रास्ते में बहुत बाधाएं उत्पन्न होती थी, बहुत सारे ब्लॉकेज थे जिसकी वजह से आप शायद आगे नहीं बढ़ पाते थे. एक बहुत कुछ आपने जैसे एक स्ट्रेस बर्डन है ना, उसको लिया है. तो यहाँ पर डिवाइन अब आपको यहाँ पर ये बताना चाहता है कि अब आपके रास्ते से वो सब कुछ हट चुका है, ठीक है, और बहुत कुछ चेंज आ रहा है. ऐसे ऐसे रास्ते या ऐसे ऐसे अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ यहाँ पर आ रही हैं, जहाँ पर आपको सब दूर से या तो फाइनेंशियली जो ब्लॉकेज थे वो रिलीज हो रहे हैं. बहुत फाइनेंशियली जैसे जॉब से रिलेटेड आपकी तरफ यहाँ पर ऑफर आ रहे हैं, या फाइनेंशियली कुछ ब्लॉकेज से तो वो रिलीज हो रहे हैं. जहाँ पर पैसों से रिलेटेड आपकी कुछ ब्लॉकेज थे तो वो भी रिलीज हो रहे हैं. जैसे इनकम के साधन, ठीक है, इनकम के साधन, जहाँ से बहुत कुछ आप अर्न करोगे. आप कौन हो यहाँ पर आप ये बताना चाहती है डिवाइन आपको कि अब आपकी तरफ ऐसे ऐसे रास्ते खुल रहे हैं कि जहां पर आप अर्न करोगे, ठीक है. यहां पर मैं फिर बता रही हूं आपको, आपकी क्रिएटिविटी, ठीक है, आपकी क्रिएटिविटी या आपके
आपके अंदर कुछ भी हुनर तो है डेफिनेटली, जो छुपा हुआ था वो अब खुलकर यहाँ पर बाहर आ रहा है, और उसकी वजह से आपके लाइफ में मतलब बहुत सारे दरवाजे आपके लिए खुल रहे हैं, खुशियों के दरवाजे, अबंडेंस के रास्ते, जॉब से रिलेटेड, ठीक है, फाइटिंग, यस। पहले आप है ना डिवाइन, आप कौन हो, पहले आप शायद किसी से फाइट नहीं कर पाते, चाहे सिचुएशन हो, चाहे नेगेटिविटी हो, चाहे परिस्थितियां क्यों ना हो, चाहे वक्त की मार ही क्यों ना हो, कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, आप उनसे मतलब यहाँ पर फाइट नहीं कर पाते थे, कहीं ना कहीं शायद आप अपने आप को कमजोर समझते थे। लेकिन डिवाइन ने आपके ऊपर ऐसी ऐसी जिम्मेदारियां डाली, इतना सब कुछ आपकी लाइफ में, जैसे आप ही को खुद को यहाँ पर बताने के लिए कि आप ये कर सकते हो, भागो मत किसी चीज से, डरो मत किसी चीज से, आप हर चीज को कर सकते हो, ठीक है, हर काम आप कर सकते हो, ठीक है। अब यहां पर आप फाइटर हो, अब यहां पर फाइटर हो, आप यहां पर आप हर किसी से, किसी भी सिचुएशन से आप लड़ सकते हो, कुछ भी यहां पर अगर अब आपकी लाइफ में कोई भी चेंज आता है या कोई लोग आते हैं या कोई जिम्मेदारियां आती हैं, तो उससे आप डरोगे नहीं, बल्कि उसका डट कर आप सामना करोगे, ये शिव शक्ति आपको बताना चाहती है, ठीक है। एंड ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओके। धर्मा अनफोल्डिंग, ओके। शिव शक्ति आपको यहां पर यह बताना चाहती है कि आप कौन हो। आपको ये याद रखना है कि आप एक अब एक ऐसी जर्नी पर हो, ठीक है, वो चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, वो परिवर्तन आपकी लाइफ में आ रहा है, जहाँ से आपको खुशियाँ मिल रही हैं, अबंडेंस मिल रही है, आपको आपका लाइफ पार्टनर मिल रहा है, ठीक है। शिव शक्ति आपको बताना चाहती है, ये जो समय है, ये जो टाइम है आपका, खुशियों का टाइम है, ब्लेसिंग्स को रिसीव करने का टाइम है, इंजॉय करने का टाइम है, आप जो भी सपने थे आपके वो सच होने का टाइम है। आप एक किसी जर्नी पर हो, इंक्रीज्ड अवेयरनेस, यस, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। मैंने यहां पर बोला आपको कि आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो, गाइडेड पर्सन हो, ठीक है, आपकी इंट्यूशन के थ्रू वो आपकी शिव शक्ति आपको बहुत ज्यादा गाइडलाइंस आपको मिलती है, ठीक है। पाइल नंबर वन, आप कौन हो, ये देख रहे हो, आप कौन हो, आप ये हो माय गॉड, जिसका कनेक्शन डायरेक्टली परमात्मा से है और जिसका कनेक्शन परमात्मा के साथ में है, उसे भला डरने की जरूरत क्या है, उसे भला रुकने की जरूरत क्या है, सिर्फ उसे तो अपने ऊपर विश्वास करना है, अपनी अंतरात्मा को सुनना है, फिर आप देखो आप अपनी लाइफ में कैसे बड़े बड़े चेंजेस, कैसे बड़े बड़े परिवर्तन आप कर सकते हो। आपको सिर्फ अपनी इनर वॉइस, ठीक है, अपनी इंट्यूशन, उससे कनेक्शन बनाकर आपको रखने की जरूरत है। आपका तो सीधा सीधा हाथ परमात्मा के हाथ में है, जो परमात्मा आपको मतलब यहाँ पर इतनी ब्लेसिंग्स दे रहा है, इतनी मतलब यहाँ पर आपकी लाइफ में ऐसे बड़े बड़े चेंजेस होने वाले हैं, जिसकी वजह से आपको हर चीज चेंज होते हुए यहाँ पर नजर आएगी। डीप कनेक्शन है आपका परमात्मा के साथ, आप ये हो। आपको तो हर तरह का नॉलेज है, ज्ञान है, क्योंकि आप बहुत ओल्ड सोल हो, आप बहुत प्योर सोल हो, आपके अंदर तो खुद परमात्मा यहां पर वास करते हैं। आप मेडिटेशन करते हो या मंत्रों का जाप करते हो, ओम की चैंटिंग करते हो, मुद्राओं के साथ आप काम करते हो,
ठीक है, उससे आपका ओरा, ठीक है, आपका ओरा बहुत स्ट्रोंग है, आप लोगों के मन की बातों को भी पढ़ सकते हो, लोगों के दिल और दिमाग में मन में क्या चल रहा है। आप अपने आप को कम मत समझो, आप कौन हो, सिर्फ आपको अपनी अपनी इनर वॉइस को सुनने की जरूरत है, तब आपको पता चलेगा कि आप कौन हो। डिवाइन हीलिंग, यहाँ पर बहुत सी सोल हीलर भी हैं, क्योंकि आप बहुत ओल्ड सोल हो, खुद परमात्मा आपके अंदर वास करते हैं, डिवाइन पावर है आपके पास, डिवाइन हीलिंग है आपके पास। क्यों? क्योंकि आप बहुत ज्यादा इनोसेंट हो, मासूम हो, बहुत ज्यादा प्योर सोल हो आप, ठीक है, और डिवाइन टाइम टाइम पे आपको चार्ज करता रहता है, हस्तक्षेप करता है वो आपकी लाइफ में डिवाइन। क्योंकि अगर डिवाइन आपको हस्तक्षेप आपकी लाइफ में नहीं करेगा, शिव शक्ति नहीं करेगी, ठीक है, तो यहां पर आप फिर आप अपने आप को भूल जाओगे। टाइम टाइम पर वो आपको चार्ज करते रहते हैं ताकि आपकी बैटरी लो ना हो, ठीक है। आपके अंदर एक जबरदस्त हीलिंग पावर है, आप दूसरों को हीलिंग दे सकते हो, दूसरों को अपना ज्ञान दे सकते हो, आपने जो एक्सपीरियंस करा है वो दूसरों के साथ शेयर कर सकते हो आप यहाँ पर। एक डिवाइन लव है आपके पास, ओके, यिंग एंड यस। मुझे ऐसा लग रहा है ना, कोई कोई यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी पर भी हैं, तो आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी भी कंप्लीट हो रही है। फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल, यस, आप अपनी, जैसे आप कौन हो, शायद आप अपनी सच्चाई को बता नहीं पा रहे हो, तो अब आप यहाँ पर अब खुल के बताओगे, क्योंकि अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें खुल रही हैं आपकी। आपका थ्रोट चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल, ठीक है, आपका थ्रोट चक्रा ओपन कर रहे हैं, आपको ऐलान करना चाहिए हर चीज के लिए। ओके, पाइल नंबर वन, तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर वन। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच। इन बाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय पाइल नंबर टू, पाइल नंबर टू, प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना, और जिसे भी पर्सन लिंक चाहिए मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकती हो। पाइल नंबर टू, आप कौन हो, शिव शक्ति आपको क्या बताना चाहती है। पाइल नंबर टू, शिव शक्ति आपको यहाँ पर ये बताना चाहती है कि जितना आप अपने आप को खुश रखोगे, यहाँ पर मैं अपने आप को, मतलब आपकी सोल की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। खुश, खुश के आप खुश, मतलब खुश कौन रहता है, जब तक आप अंदर से खुश नहीं हो, ठीक है, तब तक आप अपने आप से कनेक्ट नहीं हो, ठीक है। कहीं ना आपने देखा भी होगा कि जब तक हम अंदर से खुश नहीं होते हैं तो हर चीज़ हमें बेजान सी नज़र आती है, चाहे लाख लाख कितनी भी बड़ी हमें हमारी लाइफ में चेंज आ जाए, जो हम चाह रहे वो भी हो जाए, लेकिन जब तक आप अंदर से खुश नहीं हो तब तक वो चीज़ें बेकार हैं, वो चेंज भी हमें एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं उसको, है ना। तो ये चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ पाइल नंबर टू। तो शिव शक्ति आपको यहाँ पर क्या बताना चाहती है, वो यही बताना चाहती है कि आपको अपने आप को कैसे हील करना है, कैसे खुश रखना है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी खुद की निभाओ, ना कि दूसरों की निभाओ, ठीक है। आप अपने आप को कितना खुश रखते हो, आप अपनी कितनी वैल्यू करते हो, आप अपने आप को कितना समय देते हो, कितना स्पेस देते हो, जहां पर आपकी खुशी है, जहां आपको आजादी है, जहां आपको फ्रीडम है,
शिव शक्ति आपको यहाँ पर यही बताना चाहती है कि आप एक आजाद पंछी की तरह, ठीक है, आपको एक आजाद पंछी की तरह रहने की जरूरत है। आप एक आजाद पंछी हो जिसे जिसे किसी भी, मतलब आपको अपने आप को किसी भी सीमा में अपने आप को बांधने की जरूरत नहीं है, और कोई सीमा आपको रोक भी नहीं सकती। जब तक आप अपने आप को बांध कर रखोगे तभी तक ही आप बंधे हुए हो। जैसे आप अपने आप को ओपन करोगे, ठीक है, अपनी उड़ान भरोगे, अपने ऊपर विश्वास करोगे, तभी आप खुले आसमान पर भी उड़ पाओगे। और शिव शक्ति आपको यहां पर यही बताना चाहती है कि आपके पास वो शक्ति है, वो पावर है कि आप अपने आप को आजादी दे सकते हो। ठीक है, आपकी सबसे ज्यादा खुशी यहां पर क्यों? क्योंकि आपका खुश रहना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी आप, आपकी जो अंदर की जो भावनाएं हैं, ठीक है, आप क्या करना चाहते हो आप अपनी लाइफ में, उसे एक्सप्रेस यहां पर कर पाओगे। जैसे खुलकर आप जैसे खुलोगे, आप अपने आप को खोलोगे, वैसे ही भगवान की दी हुई शक्तियां भी, वो भी खुलती हुई आपको नजर आएंगी। आपको अपने आप को खोलने का, जैसे मतलब कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपके अंदर भगवान ने, शिव शक्ति ने आपको वो पावर दे रखी है कि आप है ना, जो मतलब सच बताओ ना, हर किसी के पास वो चीजें नहीं होती हैं। आजादी, भगवान ने आपको ये ब्लेसिंग्स दे रखी है कि आप आजाद रहोगे, ठीक है। आजादी आपकी डेस्टिनी में है, आपकी किस्मत में है। जो आप करना चाहते हो वो खुल के करोगे, ओपनली करोगे, चौड़े में करोगे आप यहां पर। लेकिन बस यहां पर अपने ऊपर विश्वास करना है। यहां पर शिव शक्ति आपको बताना ये भी चाहती है कि अब आप पूरे रेडी हो उड़ने के लिए, एक उड़ान भरने के लिए। तो उड़ना है बस आपको, जो करना है, जो भी चीजें हैं उसे खुलकर बाहर लेकर आओ। आप कौन हो? यहां पर बर्ड, ठीक है, बर्ड स्प्रिट। अब बर्ड से आपका काफी गहरा रिश्ता है। आप आकाश में उड़ते हुए बर्डों को बहुत देखते हो, पायल नंबर वन। तो कहीं ना कहीं आपकी सोल ये मैसेज दे रही है आपको कि आपको भी उसी तरह से अपने आप को रखना है। किसी भी जिम्मेदारियों की बेड़ियों में अपने आप को बांधने की कोशिश मत करना। ठीक है, उड़ते हुए पंछी आपको यही मैसेज देते हैं कि जितना अपने ऊपर पर विश्वास करोगे उतने ही खुले आसमान में आप उड़ोगे। और एक बार उड़ान भर के तो देखो एक्चुअल में खुशी क्या होती, वो आपको पता चलेगी। शिव शक्ति का क्या मैसेज है? आप कौन हो? पायल नंबर टू। शिव शक्ति, ओके, ये मून, ठीक है, मून की एक, मून आप मैसेज बताओ ना मुझे। यहाँ पर एक व्हीलचेयर जो होता है ना, गिद्ध होता है, ठीक है, गिद्ध जैसे ऊपर से वो उड़ता है, लेकिन वो कोने में भी बहुत ऊंचाई से भी वो अपने शिकार को ढूंढ लेता है। तो आपके पास वो शक्ति है, वो पावर है, आपकी आपकी दिव्य दृष्टि, ठीक है, आपकी नजरें बहुत पारखी है, बहुत दूर का आप सोच सकते हो, देख सकते हो, सुन सकते हो। ओ गॉड, जजमेंट, यस। यहां पर भी बर्ड है, यहां पर भी एंजल्स खुद आ गए, यहां पर भी बर्ड है, ये बर्ड एंजल्स। मैं पायल नंबर वन, आप कौन हो? मैं सच बताऊ ना, पायल नंबर वन, आपका एक ऐसी स्प्रिट, जैसे स्प्रिट वर्ल्ड से आपका कनेक्शन मुझे गहरा गहरा नजर आ रहा है। आपकी जो बर्ड स्प्रिट है, ठीक है, वो आपको
वो जैसे वो आपको है ना आपके अंदर से कुछ चीजों को वो आपको दिखाना चाहती है, वो बताना चाहती है। ओके जजमेंट, अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है ना, अभी तक चीजों को आप शायद किसी किसी गुफा में या किसी उसमें कैद थे आप यहाँ पर, जैसे आपने अपने आप को ही मुझे ऐसा लग रहा है कैद कर रखा था। ठीक है, तो जैसे आपको आपकी सोल को यहाँ पर जगाया गया है। सबसे ज्यादा न्याय, देखो मैं एक बात बताऊं, कौन किसके साथ करता है, अगर हम ये समझ ले ये जान ले ना कि सबसे बड़ा न्याय तो हम खुद के साथ ही करते हैं, खुद के साथ। हमेशा हम क्या करते हैं, दूसरों में बिजी होते हैं, कभी हम अपने आप से जुड़ने की कोशिश नहीं करते। हमारी सोल क्या चाहती है, हमें क्या पसंद है, हमें क्या करना है, जैसे हम अपनी सोल को ही उसको ही किसी ऐसी उसमें बंद कर देते हैं ना, हमारी इच्छाओं की इच्छाओं को मार कर हम रखते हैं, हम अपनी कभी नहीं सुनते हैं, हम अपने बारे में कभी नहीं सोचते, तो कहीं ये इसका प्रभाव कहाँ आ रहा है, वो टोटली आपकी सोल पर जा रहा है, जहां पर आपकी सोल दिन पे दिन मरती चली जा रही है, मरती चली जा रही है। और एक टाइम ऐसा आ जाता है ना कि जहां पर आप बिल्कुल बिल्कुल जैसे कुछ आपके अंदर बसता ही नहीं है, होता ही नहीं है, आपके जो बर्ड स्प्रिट है ना, बस आपको वहीं से आपकी सोल और जब हमारी सोल किसी भी प्रॉब्लम में होती है, परेशानी में होती है, तो उसे सब पता होता है किसे पुकारना है, किसके पास जाना है, किससे हेल्प मांगनी है। तो डेफिनेटली आपने अपने एंजल से, अपने बर्ड स्पिरिट से, शिव शक्ति से, जैसे आपको आपने उनको पुकारा है और उन्होंने आपके साथ न्याय करा, आपकी सोल के साथ यहाँ पर न्याय करा है। आपको बादलों में बहुत आपको आकृति नजर आई होगी शिव शक्ति की या माँ पार्वती की या एंजल्स की, बहुत अलग अलग तरह की आकृतियाँ यहाँ पर आपको नजर आती होंगी। और आपको जैसे यहाँ पर आप कौन हो, आप जो भी पुकारते हो, जब भी पुकारते हो उन्हें, जब भी आप किसी भी परेशानी में आप उनका नाम लेते हो, वो तुरंत आपकी हेल्प करते हैं और तुरंत वो आपको उस परेशानी से निकालते हैं, वो आपके साथ न्याय करते हैं। ठीक है, आपके साथ जितना भी अन्याय हुआ है, आपके साथ जो भी गलत हुआ है, उसका जैसे आपको आपको वो उसका डबल ट्रिपल करके वो आपको देते हैं, क्योंकि आप ऐसे पर्सन हो कि आप उनका एक अंशदार हो, जैसे आपका है कनेक्शन उनके साथ। द फूल, आप कौन हो वो जानते हैं, आपको आपको क्या पसंद है, आपकी सोल को क्या पसंद है, आपको कैसा रहना पसंद है, शिव शक्ति जानती है कि आपको आपको किसी घुटन भरी जिंदगी नहीं चाहिए। आपको जैसे आपको ईश्वर के साथ रहना बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक है, मैं सच बताऊँ ना, मैं बता नहीं सकती पायल नंबर 2 कि जो जो मुझे यहाँ पर मैसेजेस मिल रहे हैं आपके लिए कि आप कौन हो, आप एक ऐसे पर्सन हो ना, एक मासूम ऐसी सोल है आपके अंदर, एक ऐसा मासूम बच्चा है जो अभी तक, सच बताऊँ ना, वो उसको जैसे है ना, मैं उसको है ना जिंदगी नहीं मिली है उसकी सोल की, जैसे आपने आपके अंदर की जो सोल है ना बहुत मासूम है वो, इस कार से मुझे इतनी मासूमियत नजर आ रही है ना, जो कि आपकी सोल इसमें कैद थी, अभी तक इसमें कैद थी, अब आपकी सोल को आजाद किया गया है। वो यहाँ पर शिव शक्ति, जैसे शिव शक्ति आपकी सोल को किसी भी चीज में घुट घुट कर मरते हुए नहीं देखना चाहती थी, क्योंकि आप भूल चुके थे कि आप कौन हो, कि सबसे पहले आपका क्या फर्ज बनता है,
अपने आप को अपने आप से जुड़ना, अपनी खुशियों के साथ रहना, आपकी सोल को क्या पसंद है, वो जो आपका करने का काम था वो शिव शक्ति ने किया है, वो शिव शक्ति ने किया है, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी, पुकारा तो आपने भी है, परेशानी तो आपने भी बताई है, रोए तो आप भी बहुत हो उनके सामने बैठकर। अब शिव शक्ति आप कौन हो, अब आपको पता चलेगा कि आपका जीवन कैसा है। आपका जीवन जैसा आप सोचते थे कि परेशानियों से भरा हुआ है या आप हमेशा आपकी जिंदगी ऐसे ही कट जाएगी, तो नहीं, ऐसा नहीं है। आपका जीवन भी एक ऐसी शुरुआत की तरफ जा रहा है कि जहां पर आपकी सोल आजाद है, जहां पर आप बिंदास हो कि अपनी जिंदगी को आप अपनी मन की यहां पर कर सकते हो। आपको आपके जीवन में कोई भी बाधाएं नहीं है, कोई भी ब्लॉकेज यहां पर नहीं है। आप हर्ष से, उल्लास से, उमंग के साथ आप आगे की तरफ यहां पर बढ़ रहे हो। क्यों? क्योंकि आप बहुत मासूम हो, बहुत स्पिरिचुअल हो, आध्यात्मिक हो। शिव शक्ति आपको पग पग, सच बता रही हूं मैं, पग पग आपको संभालती है, पग पग वो आपकी हेल्प करती, क्योंकि आपको पता है, आपको विश्वास है कि मेरे ऊपर परमात्मा का हाथ है, शिव शक्ति का हाथ है, मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कुछ ऐसी सिचुएशन भी आई तो जहां से उन्होंने मेरे को इस परेशानी से निकाला, वो आगे भी मुझे संभाल लेंगे। जैसे आपको अपनी शिव शक्ति के ऊपर पूरा विश्वास है, और आपकी जो सोल है वो सोल इस बात को जानती है। जैसे आपकी सोल अब आजाद हो चुकी है, यहां पर आप कौन हो, आप एक ऐसे आपके अंदर एक ऐसी मासूम सोल है जिसे किसी भी उसमें रहना पसंद नहीं है, उसे जैसे उसको अपनी जिंदगी चाहिए, उसे अपना स्पेस चाहिए, अपना टाइम चाहिए, खुल के रहना, जीना, इंजॉय करना। वो क्यों आया है या क्यों आई है? टावर पाइल नंबर टू, आप कौन हो, ठीक है। शिव शक्ति आपको क्या मैसेज देना चाहती है, आप कौन हो? पाइल नंबर टू द टावर, ये एक टावर का कार्ड यहाँ पर, ये जैसे कहते हैं ना कि किसी की एंडिंग को बताता है और ये शुरुआत को भी बताता है। ये सब कुछ एंड हो चुका है आपकी लाइफ से, ठीक है, ये एंडिंग है आपकी। जितना भी आपकी लाइफ में, शिव शक्ति आपको ये बताना चाहती है कि आपकी लाइफ में जितनी भी उथल फुथल होनी थी, जितना भी टूट फूट होनी थी, जितना सब कुछ बिगड़ना था, अनहोनी होनी थी, जितनी भी घटनाएं घटनी थी, वो सब घट चुकी हैं, ठीक है, वो सब घट चुकी हैं यहां पर। क्योंकि आप ऐसे ऐसे उसमें फंसे हुए थे ना, कि जहां से शायद मुझे ऐसा लग रहा है ना, जहां से आप अपने आप को निकाल नहीं पा रहे थे। कुछ चीजें ऐसी कनेक्ट हो रही थी ना आपकी सोल के साथ, मतलब उसका बहुत ज्यादा इन्वॉल्व था आपकी सोल में। जैसे आपका कुछ ऐसी चीजें थीं, या कुछ आपके रिश्ते, या आपके कुछ ऐसे पर्सन जो कि आपकी, जैसे आपको फ्री नहीं हो पा रहे थे उन सब चीजों से, ठीक है। तो शिव शक्ति ने जैसे उसको ही निकाल कर फेंक दिया बाहर। अगर आपकी लाइफ में, ठीक है, अगर ये सब चीजें जो तूफान आया था, टावर मोमेंट आया था, कहीं ना कहीं उसका बर्डन था, उसका स्ट्रेस था आपके ऊपर, उस चीज में आप कैद हो चुके थे, ठीक है। तो यहां पर शिव शक्ति आपको यही बताना चाहती है कि अब आप इस टावर, जो भी आपकी लाइफ में तूफान आया था, ठीक है, उससे अब आप बाहर की तरफ आ चुके हो। आप एक ऐसी सोल हो, आप एक ऐसे पर्सन हो जहां पर आप, सच बताओ ना, कि किसी का बंधन आपको नहीं चाहिए अपनी जिंदगी में। आप अकेले ही खुश हो, अपने परमात्मा के साथ खुश हो, नेचर में खुश हो, आपको नेचर्स में जाना, घूमना, इंजॉय करना, ये सब आपको बहुत अच्छा लगता है। आपको किसी की जरूरत नहीं है क्योंकि आप अंदर से खुश हो,
आपको किसी की आवश्यकता ही नहीं है यहां पर। जो अपने आप में खुश होता है ना, सच सच बताऊं ना, मतलब वो अपनी सोल से कनेक्ट है, वो अंदर से खुश है, अंदर से हैप्पी है, और वही चीजें आपको वही चीजें आपकी सोल को जैसे आगे नहीं बढ़ने दे रही थी कि आप किसी मतलब किसी चीज में ऐसे कैद हो चुके थे जहां आपकी सोल कैद हो रही थी। ठीक है, तो यहां पर अब आप एक नई जिंदगी की शुरुआत की तरफ बढ़ते हुए मुझे यहां पर नजर आ रहे हो। फोर ऑफ सॉर्ड्स, यस, फोर ऑफ सॉर्ड्स, आप कौन हो? पाइल नंबर टू, मैं ये जो मैंने बोला ना आपको, आपने एंजल्स को शिव शक्ति को आपको आपने पुकारा जरूर है। मुझे ऐसा लग रहा है ना, शिव शक्ति आपको बर्ड के रूप में बहुत ज्यादा आपको मिलती है। शिव शक्ति आपको बर्ड के रूप में भी दर्शन देती होगी। ठीक है, आप क्यों? क्योंकि आप बहुत ज्यादा उनसे प्रेयर करते हो, प्रार्थना करते हो, मेडिटेशन करते हो, ध्यान करते हो। ठीक है, सरेंडर की ऊर्जा में आप रहते हो। शिव शक्ति ने आपको एक बहुत बड़ी अंधकार से आपको बाहर निकाला है। जैसे आपके अंदर एक जितनी भी उथल पुथल मच रही थी आपकी जिंदगी में, या आपके दिमाग में, या आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में, जैसे वहां से आपको एक शांति की तरफ लेकर गई है। एक दिल में और एक दिमाग में आपकी शांति की बहुत आवश्यकता थी, जहां से आपकी सोल को आजादी मिल सके। यहां पर आपने अपने ऊपर यहां पर बहुत काम करा है। पाइल नंबर टू, अपने आप से कनेक्ट होने के लिए, जिसे आपकी आपकी जर्नी क्या है, आपको क्या करना है, शिव शक्ति ने वही सारी चीजें आपको जैसे याद दिलाई हैं। सेल्फ लव करना, खुद के साथ समय बिताना, अपनी अपने जैसे शिव शक्ति ने आपको ड्रीम्स के थ्रू बहुत कुछ यहां पर बताया है, समझाया है। जिसे आपको एक ऐसा स्पेस दिया है शिव शक्ति ने, जहां से आप अपने आप को जानो, समझो कि आप कौन हो। ठीक है, माइंड, यस, माइंड, अभी माइंड की बात में कर रही थी। पाइल नंबर टू आपका, आपकी लाइफ में जैसे बहुत कुछ ऐसे अंधकार में थे जिसका इफेक्ट आपकी माइंड पर, आपके दिल और दिमाग पर बहुत गहरा पड़ा, जहां से आपका जैसे आपका आत्मा मर चुकी थी। ठीक है, और आपने बहुत प्रेयर करी, प्रार्थना करी, और शिव शक्ति ने जैसे आपको वहां पर पुकारा। क्यों क्यों मतलब आपको इस सिचुएशन से निकाला? क्योंकि आपकी जो सोल है, ठीक है, वो शिव शक्ति पर बहुत विश्वास करती है। ठीक है, जैसे आपको किसी से कोई मतलब नहीं है, अपने अलावा आपको किसी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप शायद आप अपने आप को भूल रहे थे, लेकिन शिव शक्ति ने जैसे आपको आपके बारे में यहां पर बताया है। अब आप अपने साथ खुश हो, अपने साथ हैप्पी हो, आपको किसी भी तरह के आपको किसी की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, जितना भी जिन लोगों का जो भी घटनाएं घटनी थी, उसका बर्डन था, स्ट्रेस था, आप वहां से निकल रहे हो। आप कौन हो? आप ऐसी सोल है आपके अंदर जो मतलब सच बताओ ना, उसे उसे जैसे आजादी चाहिए, उसको किसी से कोई, जहां पर भी उसको स्ट्रेस आता है, बर्डन आता है, वो वहां टिकती नहीं है। जैसे उसको कि फालतू का कुछ भी ऐसा नहीं करना है कि जहां पर उसकी खुशियों में कोई ब्लॉकेज आए। हार्मनी, सर, ये एक आप कौन हो? शिव शक्ति ने जैसे आपको हील किया है, आपकी आत्मा को छुआ है शिव शक्ति ने। हार्मनी 10, आप कौन हो? आप सच बताओ ना, जो प्योर सोल होती है, जो ईश्वर पे विश्वास करती है, मासूम होती है, दयालु होती है, ठीक है, जो
मतलब किसी के बारे में नहीं सोचती है, उसे जैसे किसी से कोई मतलब नहीं है, उसे जैसे अपनी दुनिया से मतलब है। लेकिन आप, आपका माइंड, ठीक है, आपका माइंड और आपका दिल जब जबरदस्ती की चीजों में अपने आप को धकेलता है, जबरदस्ती का प्रेशर लेता है, बर्डन लेता है, तो वहां पर पिसता कौन है? आपकी सोल पिसती है। आपकी सोल एक ऐसी सोल है कि जहां पर सिर्फ उसको अपनी खुशी से मतलब है, उसको कोई नहीं चाहिए। आपने देखा भी होगा कि आप पहले बहुत खुश रहते होगे, बहुत, लेकिन चंद लोगों की वजह से आपकी लाइफ में जैसे तूफान आया है, उसका इफेक्ट आपकी सोल पर पड़ा है, आपके माइंड पर। आपका बहुत स्ट्रेस, बर्डन, नेगेटिविटी, इन सब चीजों में जैसे आपकी सोल पिसी है। लेकिन शिव शक्ति ने, सच बताओ ना आप, क्योंकि आपकी आत्मा, आत्मा तो प्योर है ना, ठीक है, आपकी आत्मा को यहां पर छुआ है। चंद्रमा जो मैं यहां पर देख रही थी, आपका चंद्रमा, शिव शक्ति ने आपको बहुत कुछ चीजों से अवगत कराया है, ज्ञान दिया है, नॉलेज दी है, ठीक है, इनर वॉइस। यस, चंद्रमा की मैं बात कर रही हूँ, मून की मैं बात कर रही हूँ। मून मन, ठीक है, आप दिल से और मन से, जैसे आप इन्हीं सब चीज, दो दो चीजें आपको जैसे बहुत आपकी पावरफुल बनाती हैं शिव शक्ति ने, आपका दिल भी और आपका दिमाग भी। इसकी पावर को आप कौन है, कौन हो, शायद आप भूल चुके थे कि जितने ज्यादा आप दयालु हो, खुश मिजाज हो, आपको खुश रहना, हैप्पी रहना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका दिल और दिमाग पर कुछ चीजें ऐसी हावी हो चुकी थी। लेकिन शिव शक्ति ने जैसे उसको भी इतना स्ट्रांग कर दिया, इतना पावरफुल कर दिया है कि अब आपको पता चलेगा कि आप हो कौन। आप एक ऐसी सोल हो जो, जिसके अंदर, जिसे परमात्मा, परमात्मा जिसे ज्ञान देता है, जिसे परमात्मा रास्ता दिखाता है, आप एक ऐसी सोल हो जो, हाँ, पर ईश्वर के ऊपर अनंत विश्वास करती है आपकी सोल। चंद्रमा यहां पर मून की एनर्जी है, मून मन का कारण होता है, मन। अब आप अपने मन में इतने खुश हो, आपकी सोल इतनी खुश है, इतनी हैप्पी है कि मतलब उसको जो चाहिए, आपकी सोल को जो चाहिए वो शिव शक्ति दे रही है। आपकी सोल ने मांगा है, कुछ मांगा है डेफिनेटली, कि जहां से उसको प्रॉपर, उसको गाइडलाइंस मिलती रहे, जब भी वो आपको बुलाए, आपकी सोल पुकारे, ठीक है, या आपको कुछ गाइडलाइंस हो, प्रॉब्लम हो, तो वो आप मतलब उनसे, आपकी सोल उनसे कनेक्ट हो और उससे, उस चीज से निकल जाए, ठीक है। तो आपकी इंट्यूशन बहुत पावरफुल है, और आपका मन, मन मन आपकी बहुत जितना आप दुखी परेशान रहते थे मन से, दिल से, वो उतने ही आप पावरफुल हो रहे हो। अब आप मतलब आपकी लाइफ में कोई आता आए जाता जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अकेले में ही बहुत खुश हो, ठीक है। अनस्ट्रेस स्प्रेड, हाँ, पायल नंबर वन, सॉरी पायल नंबर टू, आप कौन हो? मुझे ऐसा लग रहा है ना, कुछ चीजें ऐसी हुई हैं आपके साथ जो मुझे जो आपके आपके परिवार से चलती हुई आ रही हैं शायद, ठीक है। ये क्योंकि ये जो मुझे ऐसा लग रहा है ना, ये कब्र, कब्र का मैं यहाँ पर, जो भी आपके कोई ऐसे पर्सन है जो अब आपके साथ नहीं है, वो दूसरे ही वर्ल्ड में है, ठीक है, कुछ स्प्रिट है जो आपसे, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप कौन हो, क्योंकि वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, वो आपसे बातें करना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास वो पावर है, वो शक्ति है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पायल नंबर वन यहाँ पर
आप कौन हो, आप एक ऐसे पर्सन हो जिन्होंने जिन्होंने जो पुरानी पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ चीज़ें ऐसी चली आ रही है जिसे हील करने की ज़रूरत थी। और शायद मुझे ऐसा लग रहा है ना कि वो एक आपकी लाइफ का एक पैटर्न रहा है, उस पैटर्न को हील करना, तो वो शायद आपने किया है। ये क्या? अच्छा ओके, तो वो आपने किया है, ठीक है। और इसी की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप एक ऐसी सोल कहलाओगे फ्यूचर में कि जो जिसकी मतलब ये जो आपने हीलिंग दी है अपने पूर्वजों को, अपने जिन्हें भी ज़रूरत थी, आपने किसी के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है ना आपने किसी दूसरे के लिए या उसके लिए आपने बहुत ज़्यादा काम करा है, उनको हीलिंग के लिए शायद प्रेयर करिए, प्रार्थना करिए, तो उन आपने मुझे आपने बहुत ज़्यादा हीलिंग करी है अपने पूर्वजों की, और वो आपकी सुन रहे हैं, आपकी सुनी है, ठीक है। शिव शक्ति ने उसे सुना है, मुझे ऐसा लग रहा है ना बहुत ज़्यादा आपने किसी के लिए प्रेयर करिए, प्रार्थना करिए, तो वो सुनी है आपकी, और एक पैटर्न को आपने कंप्लीट करा है, क्योंकि वो आप ही के थ्रू होना था, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, ईश्वर पे विश्वास करने वाले हो, बहुत मासूम हो, जैसे आपके अंदर कोई द्वेष नहीं है, किसी के लिए कोई रंजिश नहीं है, किसी का आप बुरा नहीं चाहते हो, ठीक है। वो क्योंकि आप ही के द्वारा हील होनी थी, आप एक ऐसे पर्सन हो, ओपन कम्युनिकेशन, ठीक है। यहाँ पर मैं सच बताऊँ ना, आप अपने अगर आप चाहते हो कि आप अपने एंसेस्टर से बात करना चाहते हो उनसे, तो ओपन कम्युनिकेशन आप कर सकते हो उनसे बात, या ये भी हो सकता है कि वो अब आपसे कनेक्ट होते हैं, बर्ड के रूप में कनेक्ट होते हैं, वो आपसे सीधी सीधी बात कर रहे हैं। वो ताकि उनके ऊपर जो भी भार था, दिल के ऊपर भार था, ठीक है, वो हल्का हो जाए, वो पूरा ख़त्म हो जाए, ठीक है, और वो आपसे सीधा सीधा कनेक्ट हो सके। माय गॉड, रीडिंग कहाँ जा रही है? काली माँ, फेसिंग फियर, यस, शिव शक्ति की बात हो रही है। शिव शक्ति आपको, आप कौन हो ये बताना चाहती है। शिव शक्ति आपको ये बता रही कि जितना जो भी आपकी लाइफ में ये आया है, तूफान आया है, जितनी भी नेगेटिविटी आई है आपकी लाइफ में, जितना भी बर्डन स्ट्रेस आया है, ठीक है, वो आपको कहीं ना कहीं एक पैटर्न को हील करना था, आपके आपके पूर्वजों की हीलिंग करनी थी। कुछ चीज़ें ऐसी थी जहाँ पर एक दिल पर भार था, ठीक है। जैसे हमारे पूर्वज जब होते हैं वो किसी का भार लेकर जाते हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें जैसे दिल में दबा कर चले जाते हैं, वो कह नहीं पाते हैं, बता नहीं पाते हैं, और वो इस दुनिया से चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो उसका उसका भार हमारे ऊपर आता ही आता है। तो जैसे ये चीज़ें ऐसी घूमी हैं आपकी लाइफ में, और उसकी वजह से बहुत कुछ चेंजेस हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके लिए शिव शक्ति बोल रही है कि आपको इन सब चीज़ों से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। शिव शक्ति काली माँ आपके साथ में है यहाँ पर, आप सिर्फ चीज़ों को हील कर रहे हो, उससे ज़्यादा आपके साथ कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि काली माँ है, आप काली माँ आपके साथ में। जहाँ पर नकारात्मकता होती है, जहाँ पर नेगेटिविटी होती है, जहाँ पर कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर आपको हील करने की ज़रूरत होती है, तो शिव शक्ति आपको हीलिंग की तरफ लेकर जाती है, ठीक है। जहाँ पर कट करने की ज़रूरत होती है तो शिव शक्ति काली माँ उसे कट करती है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ों को जो आपको बर्डन में डाल, आपके हार्ट चक्रा को ब्लॉक कर रहे थे, आपको स्ट्रेस बर्डन में डाल रहे थे, ठीक है, तो उसे उस भार को आपको ख़त्म करना था, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा मेजर चेंज शिव शक्ति आपकी लाइफ में यहाँ पर कर रही है। आप कौन हो, आप ये हो, काली माँ की तरह हो आप यहाँ पर, जो हर नेगेटिविटी से आप लड़ सकते हो, किसी बड़ी से बड़ी भी परेशानियों से आप लड़कर बाहर आ सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर
यहाँ पर सीधा सीधा जैसे आपका कनेक्शन आपका शिव शक्ति से है, ठीक है। एंड यस, कुछ सच्चाई भी शिव शक्ति आपको बताना चाहती है, ठीक है। सेकंड चक्र आर्कएंजल यूरियल, सच्चाई यही है कि जो भी ब्लॉकेज आए थे, जो जहां पर भी जितनी भी आपको दुखी हुए थे, परेशान हुए थे, वो सब यहाँ पर बैलेंस हो रहे, सच्चाई आपको नजर आएगी। क्योंकि यहाँ पर जो मैं थर्ड आई की बात कर रही हूँ ना, शिव शक्ति ने जैसे आपको वो पावर दी है, वो शक्ति दी है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो। आपकी सोल ने, सच बताओ ना, किसी ने आपके ऊपर, जैसे आप, मैं ज्यादा उसमें नहीं जाऊंगी, ठीक है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नेगेटिविटी के रूप में आती हैं, ठीक है। जैसे हील करना ज़रा ज़रूरी होता है, लेकिन आपकी सोल तो बहुत स्पिरिचुअल है, और आपकी सोल को जैसे किसी ने दबाना चाहा, लेकिन वो दबी नहीं, ठीक है, वो कनेक्ट हुई है, ईश्वर से कनेक्ट हुई है, और उसकी वजह से आपको, शायद आपको पता चला है कि आप कौन हो। फेसिंग फियर आपके अंदर, आप काली माँ तो आपके साथ में, काली माँ आपके अंदर है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका। ओके, पाइल नंबर टू। तो पाइल नंबर टू ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपसे रेजोनेट होती है, तो प्लीज प्लीज लाइक जरूर किया करो। बाय, थैंक यू सो मच।